नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कुड़की क्षेत्र में फसलों का लागत मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने अपनी फसलों को तबाह करने का मन बना लिया है। ऐसी स्थिति में आंदोलन कर रहे किसान फिर से उग्र होते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में मैंगलोर क्षेत्र के नगला सलारू गांव में एक किसान ने खेत में खड़ी सरसों की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर तबाह कर दिया। किसान ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बाजार में किसान की फसलों का कोई मूल्य निर्धारित नहीं है, उसकी लागत मूल्य भी बाजार में नहीं मिल पा रही है। कैसी हालात में खेत में खड़ी फसल को बर्बाद करना ही ठीक रहेगा, जबकि फसल पर ट्रैक्टर चलता देख आसपास के किसान भी दौड़ते हुए फसलों को बर्बाद कर रहे किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माना और उसने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। इस परेशानियों को दूर करने के लिए किसान लगातार दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। किसान ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सरकार यह काला कानून बिल वापस नहीं करेगी, तब तक किसान अब खेती नहीं करेगा। किसानों की यह चेतावनी कहीं न कहीं सरकार आम लोगों के लिए जरूर परेशानी का सबब बन सकती है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। तैयार होगी थी, हमने तो जहाँ पता करा कोई खरीदार इसका नहीं है। फिर हमने कहा भाई जब इसका खरीदार नहीं, कटाई का इसका पूरा नहीं पड़ता तो हम अपनी बह देंगे और क्या करेंगे बताओ। तो हमने सब बह दिया, आज 5 बीघा दिया।